दोस्तों अगर आप भी चेन्नई की जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों चेन्नई और आरसीबी की टीम के बीच में खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले अंतिम ओवर में आखिरकार कैसे धोनी की चतुराई के चलते चेन्नई की टीम हारी हुई बाजी जीती है, आपको दोस्तों अंतिम ओवर और पूरे मैच के हाइलाइट्स दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है धोनी कोहली रोहित में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2023 का सबसे रोमांचक सांस रोक देने वाला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी की टीम के बीच में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक था दोस्तों के अंतिम गेंदों तक बता पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम इस मैच को जीत कर दिखाएगी। चेन्नई और आरसीबी की टीम के बीच में ये परफेक्ट एल क्लासिको दोस्तों जैसे ही शुरू होता है वैसे ही अपने घर में टॉस जीतकर फाफ डुप्लेसिस बड़ी चालाकी से गेंदबाजी चुन लेते हैं। लेकिन दोस्तों धोनी अपना होमवर्क पूरा करके आते हैं, शायद ये बात कोहली और डुप्लेसिस अच्छे से जानते थे, तभी तो दोस्तों आज चेन्नई की टीम के धुरंधरों ने धोकर रख दिया आरसीबी की टीम को। दोस्तों सलामी जोड़ी में ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला भले ही ना चला हो लेकिन इसके बाद डिवॉन कॉनवे के 45 गेंद में 83 रन बहुत कुछ कह रहे थे। ये खिलाड़ी 6 चौके तो 6 छक्के जड़ कर गया। उधर अजिंक्य रहाणे तो अलग ही फॉर्म में चल रहे हैं, 30 गेंदों में 37 रन निकले उनके बैट से। ये दो पारियां दोस्तों चेन्नई की टीम को 8 ओवर में 100 के पार ले गई थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं 8 ओवर यानी कि दोस्तों लगभग 42 गेंदों में अगर कोई टीम 110 या 120 पर पहुंच जाए तो वो कितने रन बनाएगी। जी हां, आपने सही सोचा, उतने ही रन बनाए आज सीएसके की टीम ने। 27 गेंदों में फिर दोस्तों शिवम दुबे ने 5 छक्के 2 चौके लगाकर 52 रन जड़ दिए और बची कुछ ही कसर को पूरा कर दिया रायडू और मोइन अली ने अपनी 14 व 19 रन की धाकड़ पारी से। दोस्तों ये सभी खिलाड़ियों की पारियां मिलाकर चेन्नई की टीम 226 रन स्कोरबोर्ड पर टांग चुकी थी। अब लक्ष्य कितना बड़ा है ये तो बताने की जरूरत ही नहीं, जब तीन फिगर में 200 लक्ष्य पहुंच जाए वो भी 200 के पार तो उसे चेस करना किसी सपने से कम नहीं होता। लेकिन दोस्तों यह मत भूलिए कि ये आरसीबी का घर है और आज अपने ही घर में दोस्तों आरसीबी ने मुकाबले को जीतने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगाकर कुछ ऐसा कर दिया कि देखकर एक पल को तो धोनी भी दंग रह गए थे। दोस्तों वैसे आरसीबी की शुरुआत कोई बहुत ज्यादा सुनहरी नहीं थी। विराट कोहली पहले ही ओवर में आकाश सिंह नाम के एक इम्पैक्ट प्लेयर की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। कोहली के आउट होने के बाद ऐसा लगा कि बड़ी आसानी से चेन्नई की टीम बड़े बहुत बड़े अंतर से इस मुकाबले को जीतेगी। लेकिन दोस्तों आपकी और हमारी इसी सोच को गलत साबित करा दो खिलाड़ियों ने, फाफ डुप्लेसिस और ग्लेन मैक्सवेल। दोस्तों ये दो पारियां कुछ ऐसी थी कि आज चेन्नई की सारी पारियां इनके सामने बोनी नजर आई। एक बार लोमरोर की बात नहीं करेंगे, वो शून्य पर आउट हो गए थे। लेकिन इस बीच दोस्तों फाफ डुप्लेसिस ने 33 गेंदों में 5 चौके चढ़े, 4 छक्के लगाए और ठोक डाले 62 रन। तो कप्तान का साथ दिया ग्लेन मैक्सवेल ने जिन्होंने 36 गेंदों के अंदर 8 छक्के लगाए। जी हाँ, इस मुकाबले में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट 250 का स्ट्राइक रेट, 3 चौके लगाकर 36 गेंदों में 76 रन बना दिया। ये दो पारियां दोस्तों धोनी के होश उड़ा चुकी थी क्योंकि अब दोस्तों आरसीबी की टीम का स्कोर पारी के 13वें ओवर तक 160 तक पहुंच गया था। और आज तो दिनेश कार्तिक ने भी माहौल बना दिया, 14 गेंदों में 28 रन जड़कर दोस्तों दिनेश कार्तिक अपने दम पर 17वें ओवर में ही 190 के पार ले गए थे आरसीबी की टीम को। हालांकि दोस्तों फिर शाहबाज अहमद और दिनेश कार्तिक दोनों ही तुषार देशपांडे व मतीश पतिराना की गेंद पर आउट हो जाते हैं। जीतने के लिए अब 14 गेंद में 34 रन चाहिए थे, 193 पर आरसीबी के 6 विकेट थे और दोस्तों जिताने वाले खिलाड़ी बचे थे वेन पार्नेल और साथ ही साथ सुयश प्रभु देसाल। दोस्तों इन दोनों के नाम आपने बहुत ही कम सुने होंगे क्योंकि मैदान पर बल्ले का इनका कोई खास रिकॉर्ड तो है नहीं। ऐसे में दोस्तों चेन्नई की जीत लगभग कंफर्म हो चुकी थी, बस मोहर लगानी बाकी थी। लेकिन दोस्तों जैसे तैसे मुकाबला अपने अंतिम ओवर तक पहुंच ही गया। 6 गेंद में जीतने के लिए 19 रन चाहिए थे। पतिराना श्रीलंकाई गेंदबाज धोनी के नक्शे कदमों पर गेंदबाजी कर रहे थे। पहली गेंद पर 1 रन आया, अगली गेंद पर 1 और रन और फिर 200 जड़ा गया छक्का। 146 की गेंद पर 200 जब छक्का लगता है तो उसकी आवाज ही कुछ और होती है और जब अंतिम ओवर हो और 3 गेंद में 11 रन चाहिए हो तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों फिर धोनी ने नई चाल चली जिसके चलते 4थी गेंद पर कोई रन नहीं आया, 5वीं गेंद पर 2 रन मिले और आखिरी गेंद पर तो ये खिलाड़ी आउट ही हो गया था, जिसके चलते दोस्तों चेन्नई की टीम ने मुकाबले को 8 रन के अंतर से अंतिम ओवर में जीता। दोस्तों चेन्नई तो मुकाबले को जीत गई लेकिन कोहली हार गए हैं और हार के बाद दोस्तों उन्होंने धोनी पर क्या कहा, चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों विराट कोहली ने इतनी बड़ी हार के बाद कहा, इसे वाकई में कहते हैं T20 मुकाबला। चेन्नई की टीम के साथ मुकाबला हो और अगर ऐसे तरीके से हाई स्कोरिंग ना बने तो वो क्या ही मुकाबला। हम जानते थे कि हमारा ओपोनेंट तगड़ा है और दोनों ही मुकाबले को जीतने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। हमारे गेंदबाजों ने जरूरत से ज्यादा रन लुटाए, इस बात में कोई शक नहीं।
चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच बनी ही बल्लेबाजी के लिए है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ गेंदबाजों ने जरूरत से ज्यादा ही रन दे डाले, जिसके चलते चेन्नई को अच्छा मोमेंटम मिल गया और जहां हम 180-190 एक्सपेक्ट कर रहे थे वो बढ़कर 226 हो गए। लेकिन जब इतना बड़ा लक्ष्य मिलता है तो आपकी टीम को अच्छी शुरुआत, अच्छी पार्टनरशिप चाहिए होती है, और कहीं ना कहीं हार का जिम्मेवार मैं खुद को सबसे ज्यादा मानूंगा कि मैं अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत ना दिला सका। चाहकर भी हम इस मुकाबले में जीत नहीं पाए हैं। हालांकि डुप्लेसिस और मैक्सी ने बहुत अच्छी बैटिंग जरूर करी, लेकिन सभी खिलाड़ी अगर थोड़े थोड़े रन और ज्यादा बनाते तो शायद हम इस मुकाबले में अंतिम पल तक जीत पाते। इस बात में भी कोई शक नहीं कि जब सामने धोनी भाई हों तो जीत वैसे भी डबल मुश्किल हो जाती है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनके फैसलों ने भी वक्त वक्त पर मुकाबलों को पलटा, क्योंकि वो गेंदबाजों से लेकर फील्डर्स को समझा जा रहे थे। खैर, अगली बार मुलाकात हुई तो चेन्नई को जरूर हराएंगे। अभी तो फैंस को बस इतना ही कहेंगे कि अगले मुकाबले में जीतकर हम आरसीबी को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, कोहली ने अपने बयान में आखिरकार बता ही दिया है कि धोनी के मंत्र से कैसे चेन्नई जीत जाती है, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, धोनी, कोहली, रोहित में एक बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।